सवाल ये नहीं है कि जो 300 मरे या नहीं, सवाल ये है कि एयर स्ट्राइक अगर हुआ तो क्या उस पे सवाल करना चाहिए दूसरे राजनीतिक दलों को? कतई नहीं, कतई नहीं। सेना ने शहादत दी है, सेना ने स्ट्राइक की है, सो नो क्वेश्चन आस्क्ड। सबसे पहला चीज, मेरा ईमान, मेरा जान, मेरा माल, मेरी जान, सब कुछ जो है हमारा देश है। बिल्कुल। अब मेरे देश के खिलाफ अगर कोई उंगली उठाएगा तो उसकी गर्दन काटने क्षमता है। जो मोदी जी ने किया है ये संपूर्ण राष्ट्र के लिए प्रेरणा स्रोत है और पाकिस्तान को उसकी औकात याद दिलाई गई है। एयर स्ट्राइक पर जो सवाल उठ रहे हैं उस पर आप क्या कहेंगे? सर, जो एयर स्ट्राइक में सवाल उठा रहे हैं, सबसे पहले तो वो खुद ही करप्शन से भरे हुए लोग हैं। उन लोगों ने कभी ऐसा ना करा, ना कभी सोचा कि हिंदुस्तान इस नीति और इस रीति वाला हिंदुस्तान इतना आगे बढ़ के हिंदुस्तान के लोगों को इतना अच्छा मैसेज पहुंचा सकता है। उनकी बौखलाहट बता रही है इस बात को लेकर कि मोदी जी ने बहुत अच्छा काम करा है, लेकिन वो इस बात को हजम नहीं कर पा रहे हैं। उनकी सरकार के टाइम पर कभी ऐसा मैसेज किसी हिंदुस्तान के नागरिक को नहीं पहुँचा। उन लोगों ने शुरू से करप्शन कराए और आज मोदी जी जो कर रहे हैं नई नीति और नई रीति के साथ कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है। और जो सवाल उठा रहे हैं, मैं कहना चाहूँगा आपके चैनल माध्यम से, अगली बार मोदी जी सर्जिकल स्ट्राइक जब भी करो उनको आगे बांध के लेके जाना और हो सके तो उनको दिखाना कि हम कहां बम फेंक रहे हैं। पहले उनको दिखाना, उसके बाद आप करना। एयर स्ट्राइक के बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जो है मोदी जी, जवानों पर राजनीति मत करो, शहीदों पर राजनीति मत करो, क्या राजनीति हो रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि मैं डिफेंस से हूं और आरटीजीसी हूं, धर्मगुरु हूं मैं सेना में। और जो ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, ये पूरे राष्ट्र के लिए हितकर नहीं है। ठीक है, राष्ट्र की भावना सर्वोपरि होनी चाहिए, उसके बाद पर्सनल स्वार्थ आना चाहिए। और जो मोदी जी ने किया है ये संपूर्ण राष्ट्र के लिए प्रेरणा स्रोत है और पाकिस्तान को उसकी औकात याद दिलाई गई है और आने वाले भविष्य में भगवत कृपा रही तो और भी ज़्यादा तरीके से याद दिलाई जाएगी। जब कभी भी पीस होता है ना, पीस टाइम में टेररिस्ट को अपनी गतिविधि और अपनी औकात बढ़ाने का अवसर मिलता है और उसको जितना कुचला जाएगा उतना ही वह विनष्ट होगा और उतना ही हमारा राष्ट्र विकास के पथ पर अग्रसित होगा। हर हर मोदी, घर घर मोदी। आप आइए, आपसे पूछेंगे, ये बताइए कि जो राजनीति हो रही है एयर स्ट्राइक के बाद, कहा जा रहा है एयर स्ट्राइक हुई ही नहीं, हुई है तो सबूत दिखाया जाए, क्या ये ठीक है? मैं आपसे ही एक प्रश्न करके फिर उत्तर दूंगा कि तमाम चैनलों ने, उसमें इंक्लूडिंग आज तक भी है, जितने हमारे जवान इस देश में शहीद हुए पुलवामा वाले हमले में, उन जवानों के घरों तक आपके चैनल पहुंचे, उनके विधवा बिल्कुल पहुंचे, बिल्कुल पहुंचे, पूरी कवरेज चल रही है। आप नहीं, फिर आप नहीं, यही तो गलत है। आप उत्तर लीजिए, मैं जो सवाल कर रहा हूँ उसी का जवाब दे रहा हूं। आप उल्टा जवाब दे रहे हैं, आप उल्टा जवाब दे रहे हैं। आप हमसे सवाल कर रहे हैं, हम आपसे सवाल कर रहे हैं कि राजनीति हो रही है कि नहीं हो रही है। राजनीति हो रही है, मैं बता रहा हूँ ना क्या हो रही है राजनीति। सारे चैनल हमारे शहीद के विधवाओं को रोते बिलखते चिल्लाते दिखाई। मेरा कहना है कि जब हमारे शहीद की विधवा चिल्लाती है तो मेरा कलेजा फटता है। मुझे 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 उन 300 और 350 का आंकड़ा बताने वाले, चूंकि यह आंकड़ा किसी सैन्य अधिकारी ने नहीं बताया है, यह आंकड़ा चूंकि राजनेताओं ने बताया है, इसलिए मैं यह प्रश्न करता हूं मीडिया से भी और राजनेताओं से भी। एक सेकंड बताया गया है, वहां पे 200 से 300 के बीच बताया गया हुआ है। केवल मैं भी प्रश्न करने वालों में हूँ। मुझे उन आतंकवादियों के विधवाओं के विलाप को भारत देख लेंगे, नेतागिरी करेंगे, वो उनको पता है, वोट बैंक के विलाप को, उनके उनके बीवी के चीख को चाहिए। हम देखे 300 सवाल ये नहीं है कि जो 300 मरे या नहीं, सवाल ये है कि एयर स्ट्राइक अगर हुआ तो क्या उस पे सवाल करना चाहिए दूसरे राजनीतिक दलों को? कतई नहीं, कतई नहीं। ये सबसे पहली गलती जिसने आंकड़ा पेश किया, पहली गलती, जब सैन्य अधिकारी, सेनाओं ने, ये पराक्रम सेना का था, सैन्य अधिकारी तो नहीं, तो बात खत्म है। जब सैन्य अधिकारी ने बयान दिया, डीजीएमओ, आप ये मानने को तैयार नहीं है, हमारे डीजीएमओ ने, हमें सेना पर पूरा भरोसा है, डीजीएमओ ने जो बयान दिया, पहले मोदी जी आए नहीं आए, कहाँ आए,
2019 के अंदर मोदी दोबारा इलेक्शन जीते, प्रधानमंत्री बने नहीं बने? नहीं आप बताइए, नहीं मैं आपकी नॉलेज चाहता हूँ। मैं ज्योतिषी हो, मैं ज्योतिषी हूँ। राजनीति हो रही है, सरासर गलत हो रही है, आप बताइए। नहीं है, मैं आपकी राय 400 वापस नहीं। भारतीय एयरफोर्स ने स्ट्राइक की, एयर स्ट्राइक की, पाकिस्तान में घुसकर शहीदों का बदला लिया भारतीय सेना ने। लेकिन हिंदुस्तान में एक राजनीति हो रही है, उस एयर स्ट्राइक पर उंगली उठाए जा रहा है, आपको लगता है ये सही है? देखिए सर, मैं अखंड बिहारी हूँ। सबसे पहला चीज, मेरा ईमान, मेरा जान, मेरा माल, मेरी जान, सब कुछ जो है हमारा देश है। बिल्कुल। अब मेरे देश के खिलाफ अगर कोई उंगली उठाएगा तो उसकी गर्दन काटने की क्षमता है। नंबर ये अभी जो ये मामला हमारे देश के ऊपर नेता लोगों ने जो उठाया है, ये गद्दार लोग हैं। ये अपने बाल बच्चों के, अपनी भविष्य के लिए, ये बीजेपी है, ये कांग्रेस है। लेकिन जहाँ तक सेना का मामला है, वो हमारे अटूट जिम्मेदार है हमारे देश का। अगर वो नहीं है तो हम भी नहीं है। देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को। चाचा ने बड़ी बात की, इन्होंने कहा कि जो है सेना पर उंगली नहीं उठानी चाहिए, सेना की वजह से ही हम है। भाई सबूत उठाने को तो खुद मजबूर करते हैं लोग। एक बार बताइए, हमारे देश में जिस गाड़ी में RDX आता है उसका पता 2 दिन तक नहीं चलता, पर जब एयर स्ट्राइक होती है तो 5 से 7 मिनट में खबर आ जाती है कि वहाँ पर 250 से 300। हमारे देश के जो जवानों ने सर्जिकल स्ट्राइक की है, उस पर जो नेता उंगली उठा रहे हैं, हमारे जवानों को एक बार हमारी गुजारिश है कि एक बार उन नेताओं पर सर्जिकल स्ट्राइक करें, ताकि दोबारा उंगली उठाने की मोरल तोड़ने की कोशिश ना करें। सेना ने स्ट्राइक की है, सेना ने शहादत दी है, सेना ने स्ट्राइक की है, सो नो क्वेश्चन आस्क्ड। पॉलिटिकल पार्टीज होती कौन है पूछने वाली है, तो वही बात हो गई ना कि आपने घर में पेस्ट कंट्रोल को बुलाया है, कांग्रेस बनवाया, पूछा कि भैया कितने मारे बताओ तो हिसाब करेंगे, ये कोई बात नहीं है। ये पॉलिटिकल्स को, इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज आर नॉट क्वेश्चनेबल टू इंडियन आर्मी, आर्मी से मतलब तीनों आर्मी से है, उन्हें स्ट्राइक किया है और उन्हें किया है, सीधी सी बात है। हमारी सेना पे कोई उंगली नहीं उठाएगा, सेना ने जो काम कर दिया उसने टारगेट हिट कर दिया, उनका काम डेड बॉडी गिनना नहीं है। मेरा सवाल आपसे ये है कि जो है क्या एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाना सही है? एक्चुअली ये सही नहीं है, क्योंकि पॉलिटिक्स आप कितने हद तक करोगे, क्योंकि हमारे जवान इतनी मेहनत करते हैं, वहाँ पे हम बॉर्डर पे खड़े हैं, रक्षा कर रहे हैं हमारी, अगर हमारे लिए कुछ कर रहे हैं, जैसे सिक्योरिटी के लिए कर रहे हैं, ओके वहाँ पे जाके मार रहे हैं आतंकवादियों को, हमारा ही भला इसमें आके, वो आप पॉलिटिशियन अपने वोट बैंक के लिए कितने हद तक गिरेंगे नीचे? हम मोदी जो कर रहा है बहुत सही कर रहा है, हम रिस्पेक्ट करते हैं उसे, और आज तक मैंने कोई लीडर नहीं देखा उसके जैसा। जो इस एयर स्ट्राइक पर उंगली उठा रहे हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाह रहा हूँ? आपको वो थोड़ा गिरे तो थोड़ा मैं भी गिरना चाहूंगा, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ, वो अपने बाप की पैदाइश है, वो मुझे प्रूफ करके देखा पहले उसका प्रूफ। और सेकंड थिंग, अगर वो कह रहे हैं कि सेना वहाँ पे जाती है, तो सेना अगर गोली मारने जाती है तो वहाँ पे बॉडी मिल सकती है, लेकिन अगर बम का, अगर किसी के ऊपर, मेरे ऊपर मान लो, अगर आप 1000 किलो का बाट गिराते हो, मेरी चटनी बन जाएगी, मैं वहाँ पे नहीं मिलूंगा। वहाँ पे तो बम गिराया गया 1000 किलो का, अगर वहाँ पे गिराया जाए तो वहाँ पे किसकी बॉडी मिल जाएगी? और बॉडी की रही बात, तो वहाँ पे IT सेल ने ऑलरेडी दे रखा है कि वहाँ पे 280 सिम एक्टिवेट थे, तो सिम एक्टिवेट करके कोई ऐसे ही मोबाइल तो थोड़ी ना रखेगी, मोबाइल के ऊपर बम गिरा दो तुम, वहाँ पे लोग थे मारे गए उनके बारे में। क्या आपको लगता है ये सही है? अगर गलत है तो आप उन नेताओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर सबसे पहले उनकी सिक्योरिटी हटा दो नेताओं की, पब्लिक उनको अपने आप मैसेज दे देगी, पब्लिक उनको अपना मैसेज दे देगी, उन नेताओं की सिक्योरिटी हटा दो। दूसरी चीज़ सर, आपको पता है जब राजीव गांधी जी के साथ हादसा हुआ था, एक महिला ने मात्र 2 किलो का बम बांधा हुआ था, राजीव गांधी जी की ये पता करने के लिए उनकी वोटियर राहुल गांधी जी का DNA करा था और जूतों से उनकी पहचान हुई थी, सो तो सर वहाँ पे 1000 किलो बम गिरा है तो क्या उनकी बॉडी मिलेगी? 2 किलो बम में ये हाल है, 1000 किलो बम में क्या हाल होगा? उन नेताओं का यही है सर, उनकी सिक्योरिटी हटा दो, पब्लिक उनको बहुत अच्छा जवाब देगी। पाकिस्तान जो बोल रही है वही अपोजिशन भी यही बोल रहे हैं, पाकिस्तान बोल रहे हैं। आज का जो अपडेट है, पाकिस्तान वहाँ पे मीडिया को जाने से रोक रहा है, बालाकोट में मीडिया को नहीं जाने दे रहा है। मैं ये मैसेज देना चाहूँगा, ये गठबंधन बना रहे हैं इतना बड़ा, ऐसा हो सकता है कि 3 महीने में 4 महीने में 5 महीने के अंदर इनकी आपसी लड़ाई ना हो? हैं, ये तो होनी है, आप हो मैं हो ये हो, गठबंधन के अंदर लड़ाई तो होनी है।
क्या होगा, दोबारा इलेक्शन होंगे, पब्लिक के ऊपर जोर पड़ेगा। तो इसलिए सिर्फ मोदी जी। 1971 के बाद पहली बार एयरफोर्स ने एयर स्ट्राइक की, इस पर सवाल उठ रहे हैं। आपको लगता है ये सवाल उठाना सही है? सेना जो काम कर रही है, एयरफोर्स जो काम कर रही है, उस पर सवाल उठाना सही है? अभी मैं सुन रहा था, दो तरह की बातें आई, एक तो सवाल उठाने की और दूसरा पाकिस्तान के टीवी चैनलों के ना दिखाने की। तो इसको बोलते हैं मीडिया मैनेजमेंट, कि हमारे देश की आवाज़ यानी कि पाकिस्तान की आवाज़ इंडिया में नहीं आ पा रही है, क्यों? हाँ हाँ बिल्कुल हो रही है, ये इनको मौका मिल गया है। तो जब पहले भी इन्होंने एयर स्ट्राइक की थी तो, लेकिन उस वक्त नहीं इन्होंने राजनीति की, अब इनको मौका मिल गया। मोदी जी के अब इलेक्शन आ रहे हैं तो इनको मतलब कि मौका मिल गया, तो ये राजनीति कर रहे हैं बिल्कुल। सेना के काम पर सवाल करना जायज है? कभी भी सेना के ऊपर सवाल नहीं करना चाहिए, ये तो सेना की बेइज्जती हुई ना एक किस्म से। सेना क्या, हमारी सेना झूठी है? कोई इनसे पूछे कि हमारी सेना क्या झूठी है, आपको हमारी सेना पर विश्वास नहीं है? जिन्होंने पूरा देश संभाल के रखा हुआ है वो झूठी है? आपको थोड़ा बहुत इतना होना चाहिए, राजनीति कर रहे हो, अब इलेक्शन आए तो आप राजनीति पर ऊपर उतर आए हो।